तो फ्रेंड्स, अगर आप भी काइन मास्टर एप्लीकेशन में वीडियो को फुल स्क्रीन करना सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स फटाफट से अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप काइन मास्टर ऐप को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल सा इस क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं। फ्रेंड्स इन सभी रेशियोज में फ्रेंड्स आज की ट्रिक सेम होने वाली है। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं वो ट्रिक आपको 16:9 में करके बता देता हूँ। आप फ्रेंड्स ट्रिक को सीखने के बाद इन सभी रेशियोज में उस ट्रिक को सिंपली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 16:9 पे क्लिक करता हूँ और ऊपर इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स फटाफट से मैं यहाँ पे उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जिसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करना सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आज मैं आपको दो वीडियो बताऊँगा जिससे आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ट्रिक अलग अलग होने वाली है, तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी पहली वीडियो को ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स फटाफट से पहले मैं आपको उस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को फुल स्क्रीन करना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वीडियो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल भी फुल स्क्रीन नहीं है। इसके आइट साइड में फ्रेंड्स एक बहुत मोटे मोटे ब्लैक लेयर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लैक लेयर को फ्रेंड्स आज की इस ट्रिक में आपको मैं हटाना सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को फुल स्क्रीन करने के लिए आपको सिंपल सा इस वीडियो पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप वीडियो पर क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, अब फ्रेंड्स आपको जो ये स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपको जूम करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं जूम करता हूँ सिंपली। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जूम कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल सा इस इक्वल्स टू के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इक्वल्स टू के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, अब फ्रेंड्स आपको ऊपर इस राइट ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे वीडियो सक्सेसफुली फुल स्क्रीन हो चुका है और फ्रेंड्स हमारी ये फर्स्ट ट्रिक भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इस फर्स्ट ट्रिक के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो तो फुल स्क्रीन हो चुका है लेकिन हमारे वीडियो का बहुत सारा पोर्शन फ्रेंड्स जूम में कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स उस दूसरी ट्रिक के लिए मैं फ्रेंड्स एक दूसरी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक वीडियो को ऐड कर लिया है। ये वीडियो भी फ्रेंड्स सेम उसी वीडियो की तरह है जिसका आइट साइड फ्रेंड्स आपको ब्लैक लेयर देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को भी यूट्यूब पर नहीं डाल सकते क्योंकि फ्रेंड्स इस आइट साइड ब्लैक लेयर दिख रही है जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को भी फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सिंपल सा फ्रेंड्स सबसे पहले इस वीडियो को डिलीट करना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये इमेज वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये ब्लैक कलर का एक ब्लैंक इमेज को ऐड कर लेना होगा और फ्रेंड्स आपको इस ब्लैक इमेज को अपने वीडियो जितना बड़ा कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड का है, तो फ्रेंड्स मैं इसको उतना ही बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल सा इस लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिलहाल अपने उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको फिर इस वीडियो पर क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन ऑप्शन में थोड़ा नीचे स्लाइड करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप स्लाइड करते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रोटेट और बिनरिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम रोटेट या बिनरिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका इलाज मेरे पास है। आप फ्रेंड्स पूरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिए, मैं आपको ये पूरी ट्रिक करके बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसे हमने इस पर क्लिक करा फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर रोटेट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो को इस पर क्लिक करके आपको अपनी वीडियो को लंबा कर देना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपनी वीडियो को लंबा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो के हिसाब से इसको लंबा कर देना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहाँ तक फुल स्क्रीन हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं ऊपर इस राइट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। एक बार पहले फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर फुल स्क्रीन हो चुका है और इसमें फ्रेंड्स कोई भी पोर्शन कट नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत से लोगों का कहना ये होगा कि हमारे वीडियो फ्रेंड्स रोटेट हो चुका है और रोटेट वीडियो बहुत बेकार लगेगा यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स रोटेट वीडियो का फ्रेंड्स एक सॉल्यूशन है। आपको सिंपल सा फ्रेंड्स अपने वीडियो के पहले पब्लिक को बोल देना होगा कि आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए या फ्रेंड्स यूट्यूब पर एक सिंपल सा एक क्लिप आती है, आप फ्रेंड्स उस क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं आपको वो क्लिप को ऐड करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स सिंपल सा मीडिया पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर उस क्लिप को ऐड कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस क्लिप में क्लियरली बताया हुआ है कि आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए क्योंकि हमारा वीडियो रोटेट होने वाला है। अगर फ्रेंड्स अगर रियली ट्रिक अगर फ्रेंड्स आप अपने वीडियो यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप सिंपली अपने वीडियो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप अपने सब्सक्राइबर को ईजिली अपने वीडियो को फुल स्क्रीन करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।